कब होगा, कहाँ होगा, सारी बातचीत करांगे। अरजीत ने अच्छे यूट्यूब चैनल है भाई, बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल वाले संदीप भाई हैं, रमेश भाई हैं, राहुल भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, बहुत बहुत भाई आए हैं, कई भाई आ नहीं पाए क्योंकि एक तो मौसम खराब था भाई, तो आज ज्यादा मेंबर हमने बुलाए भी नहीं है, ना हमारे एक दो यूट्यूब साथी हैं वो बुला पाए भाई क्योंकि मौसम खराब था, काम का भी कुछ दबाव हो जाओ भाई। तो बहुत सारे भाई पहुंचे यहाँ पे, मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं सारे से, वैसा नाम रहा कहाँ से आयो अमित मान दिल्ली से? आप तो अपना घर में हो, संदीप जी हाँ जी, एक बार अपना भी गाँव बताओ। मेरा झज्जर जी, झज्जर से, ठीक है। एक यूट्यूबर साथी और आए हैं भाई, भाई साहब आशीष बागपुर, आशीष बागपुर, नीरज भाई जाटा दिल्ली से, कुलदीप फुलिया भाई, जितेंद्र पिल्लू खड़ा। तो बताना चाहूंगा भाई, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग लगभग एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक बंदा बुलाया हमने, ज्यादा नहीं बुलाया, ना ज्यादा भीड़ करी, क्योंकि देखो हर रोज सारे भैया तंग करना भी गलत है। आज जितने भी फैसले हैं वो हो चुके हैं, तो दोनों प्रधान हमारे मनवीर भाई हैं, रणदीप भाई हैं, दोनों तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बार तो राम राम दे दो सारे, राम राम सारे भाई, पंजाब वाले भाई जुड़ रहे हैं उन्हें सत श्री अकाल दे दो। तो मनवीर भाई, रणदीप भाई, आपके लगभग अगुवाई में ये मेला होने जा रहा है और आपकी ही जितनी भी बातें हैं सारे भाई ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो ये बताओ, जो मेला वो फिक्स हो गया या नहीं हो गया? फिक्स हो गया भाई, बिल्कुल फिक्स हो गया। आगे आ जाओ भाई थोड़ा थोड़ा। पहले तो सारे भाई ना राम राम, राम राम जी। और जो पशुपालक भाई थे जिन्हें इंतजार था इस चीज का जी, तो वो भोजन आज करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात, हर एक चीज ध्यान में रखी है भाई। देखो ऊपर से काफी मेले चल रहे थे, अभी हरियाणा सरकार वाले भी है, ADFA है, आज PDFA भी है जी, तो हर एक चीज देख के मेला हमने मार्च में रखा है, 5, 6 और 7 तारीख का, 5, 6 और 7 का, हाँ बहुत बढ़िया। और स्थान होगा भाई जी तिरंगा होटल में, उसके पास में 11.5 एकड़ जमीन है, वहाँ पे स्थान रखा गया है, तिरंगा होटल महम। हाँ महम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई जी? मैम रोहतक, रोहतक लगता है, शहर के बिल्कुल ऐसे लगा लो बॉर्डर के ऊपर है, NH9 उस पे पड़ता है, ठीक है। तो लोकेशन फाइनल होगी जी, 5, 6, 7 को महम होटल जो तिरंगा है उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऑन रोड है शायद ग्राउंड, ऑन रोड है भाई जी, मेन हाईवे के ऊपर, ठीक है ठीक है। तो भाई साहब किस नाम से मेला होने जा रहा है, KDFA की फुल फॉर्म क्या, वो भी बताओ। किसान डेयरी फार्म फार्मिंग एसोसिएशन, ठीक है। लगभग देखो मेला तो पूरे हरियाणा पंजाब पूरे भारत वर्ष का है, लेकिन आप दोनों की अगुवाई में मेला हो रहा है, सही बात कर रहे हो? कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात, ठीक है। तो मेरा फाइनल हो गया, डेट भी फाइनल होगी, जगह भी फाइनल होगी। अभी ये बताओ भैंसों को कब आना, सबसे पहला सवाल तो यही मिल्किंग का। भैंसे भाई साहब 28 को भी आ सकती है, 29 को भी आ सकती है, 1 को शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे, हाँ ठीक है। मनोहर भाई, उस बार जो मिल्किंग होगी, कैमरे वगैरह व्यवस्था किस तरह से होगी, थोड़ा उसके बारे में? कैमरों के आगे मिल्किंग होगी भाई जी, और दो जगह से एंट्री होगी भैंसों की, दोनों तरफ से रास्ते होंगे, ठीक है। और दर्शक भी आ सकते हैं, देख सकते हैं भाई। वैसे ऐसा नहीं है कि ये वैसे तंबू के अंदर पैक कर दी, कोई बाहर वाला देख नहीं सकता, हर आदमी घूमेगा और देखा वैसे ने, मतलब बीच को आप गल नहीं छोड़ोगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो जैसे पहले मेले में हुआ था वैसे ही स्ट्रक्चर तैयार होगा? बिल्कुल भाई साहब। तो मनोहर भाई, लगभग 1 बजे के 1 तारीख को 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, मिल्किंग वैसों की कोई एंट्री नहीं है भाई। और जो ब्यूटी के और पशु आएंगे, यानी कि जो 5, 6, 7 को भाई प्लेइंग करेंगे, खेलेंगे, हिस्सा लेंगे, उनकी कब एंट्री? उनकी एंट्री करेंगे भाई 4 तारीख को, 4 तारीख को रात तक, यानी कि 5 को उनकी भी एंट्री। और एक बात और है भाई, जो मिल्किंग वाली भैंस है, मिल्क ब्यूटी की भैंस है, ठीक है, उनको शाम को खाली करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे 12 बजे रिंग है, मान लो आप सपोज करो कि 6 तारीख का रिंग है, तो शाम को 5 तारीख को 6 बजे खाली करवाया जाएगा रिंग के अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो पहले बार उनको 6 घंटे टाइम दिया जाएगा हमारे पास, वैसे खराब होगी, किसी को मैस्टाइटिस हो गया, किसी को लंबा टाइम लगने के कारण डेथ भी हुई है, तो हर एक बार ध्यान में रखते हैं पशुपालक को नुकसान ना हो किसी चीज का। तो सभी भैंसों की जो मिल्क ब्यूटी में खाली करोगे पहले, और लगभग 18 घंटों का टाइम फिर दोगे आप, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल आता है हमारी काफ रैली का, जो आपने पहले तो कैटेगरी बता दो कौन कौन सी कैटेगरी, एक बार कैटेगरी कम से कम 11-12 कैटेगरी है भाई, एक बार बताओ छोटे से लग जाओ, बिल्कुल छोटे से,
हम करेंगे मिल्किंग वाली स्टार्ट भाई कैटेगरी बताना मिल्किंग वाली हो जो सबसे पहले मिल्किंग वाली मैच हमारे वहाँ ऐड होनी है ठीक है जी तो जो पहली मुर्रा भैंस है मिल्किंग मैच में जो मुर्रा भैंस है भाई पहला इनाम रखा उसका पल्सर मोटरसाइकिल ठीक है एक बार इनाम की बात में कर ले आप ये बताओ कैटेगरी एक ही मुर्रा भैंस होगी या दो दांत कैटेगरी दो है भाई साहब अच्छा दो है मुर्रा भैंसों की नहीं एक मुर्रा है और ग्रेडिड अच्छा एक ग्रेडिड में प्लस नीली रावी भी है ठीक है तो सारे भाई ध्यान से सुन लो भाई जितने सवाल अभी पूछ रहा हूँ जो नीली रावी नस्ल या फिर ग्रेडिड में पुली पकाली बूरी सींग टूटिया या फिर मीणी जो आती है पूंज टूटी हुई है वो सारी एक कैटेगरी है हाँ। यही बात है और दूसरी मुर्रा भैंसों की जिसमें कोई दांत का चक्कर नहीं है सीधी मुर्रा की वो कंपटीशन हो गई यही बात मनोज भाई और दूसरी कैटेगरी क्या रखी तीसरी दूसरी में नाम दूसरा नाम है भाई साहब स्प्लेंडर बाइक स्प्लेंडर बाइक हाँ ठीक है ये मुर्रा भैंसों की कैटेगरी है और तीसरा नाम है भाई जी सिटी हंड्रेड तो भाई जितने भाई देख रहे हैं मुर्रा ये जी भाई साहब एक फर्स्ट वाले को ट्रैक्टर दे दिया दूसरी वाले को 10,000 रुपए दे दिया वो काम नहीं हुआ ये कैसे बोले भाई थोड़ा बताओगे इसके बारे में नहीं नहीं ये बारे में कुछ बोलने वाले अपनी कमेटी की जो है उसके हिसाब से ठीक है तो भाई जितने मुर्रा भैंस दुधारू पहुंचेंगी जो फर्स्ट आएगी उसको पल्सर मोटरसाइकिल पहला पल्सर मोटरसाइकिल सेकंड स्प्लेंडर थर्ड सिटी 100 तीसरा सिटी 100 और 20 प्लस सभी भैंसों को सम्मानित किया जाएगा भाई जी उनको भी अच्छे प्राइस दिए जाएंगे अच्छा 20 प्लस वाली को सम्मानित हाँ। एक बार ग्रेडेड का और बताओ ग्रेडेड का क्या क्या इनाम ग्रेडेड में पहला इनाम है भाई जी 31,000 रुपए दूसरा इनाम है 21,000 रुपए तीसरा इनाम है 11,000 रुपए क्या बात है जी बहुत बढ़िया अच्छा और क्या मिल्किंग में बताओ जो गाय नहीं देखो मिल्किंग भैंसों में तो मुर्रा की मिल्किंग की होगी और ग्रेडेड हो गया अब बात देसी गायों की भाई देसी गायों की ठीक हाँ। है जो हमारी हरियाणा नस्ल है सबसे पहले तो भाई जी ये प्राइज गोलू खड़कड़ा ठीक है उसकी तरफ से है ये सारे प्राइज अच्छा सारे प्राइज उन्होंने भाई साहब उनकी जो टीम है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस मेले में ठीक है और भाई ने बहुत अच्छी पहल की है भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई का देसी गाय के ऊपर पहला इनाम पल्सर मोटरसाइकिल भाई तालियां बजाओ भाई कहां पे मैं बताना चाहूंगा हरियाणा में जो मेले होते थे देसी गाय नस्ल को पछाड़ा जा रहा था जो हमारी संस्कृति थी उसको पछाड़ा जा रहा था मोनवीर भाई की टीम ने रणदीप भाई की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया पल्सर मोटरसाइकिल दिया भी बहुत भाई जी हम मोनवीर और रणदीप नहीं है यहाँ पे गोलू खड़कड़ा है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आदमी ने इतना कराया था उसका नाम यहाँ पे नहीं है वहाँ पे दिल पे रखा है उस आदमी को हमने ठीक है गोलू भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी सेकंड प्राइज दूसरा इनाम भाई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्या बात है तालियां बजाओ देसी गाय को सेकंड प्राइज स्प्लेंडर थर्ड तीसरा इनाम सिटी 100 मोटरसाइकिल भाई क्या बात है तालियां और जो 16 प्लस दूध निकालेंगे भाई उनको सभी को सम्मानित करेगा तालियां बजाओ बहुत बढ़िया देसी गायों के लिए पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है भाई बहुत बढ़िया और सेकंड कैटेगरी जो रखी गई मिल्किंग साहिवाल गाय की मिल्किंग साहिवाल गाय की मिल्किंग इसमें पहला इनाम होगा भाई 31,000 रुपए दूसरा इनाम होगा 21,000 रुपए तीसरा इनाम है 11,000 रुपए तालियां बजाओ भाई साहिवाल खूब बढ़िया प्रयास किया अब आ जाओ मिल्क ब्यूटी की बात भाई जी मिल्क ब्यूटी में पहली बात तो हमने डिक्लेयर कर दी थी भाई भैंसे रिंग में खाली होगी 18 घंटे का टाइम दिया जाएगा 6 बजे तो अगले दिन 12 बजे उनका रिंग स्टार्ट हो जाएगा जी 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 ठीक है पहला इनाम उसमें 31,000 रुपए दूसरा इनाम 21,000 रुपए तीसरा इनाम 11,000 रुपए क्या बात तालियां बजाओ जी बहुत बढ़िया ड्राई ब्यूटी में भी भाई यही है थोड़ा इनाम में चेंजिंग करे पहला इनाम 21,000 रुपए दूसरा 11 है तीसरा 7100 है तालियां बजाओ जी मनवीर भाई जो इनाम बता रहे हो इनमें बढ़ने की गुंजाइश है या इतने रहोगे ये बच्चे का घट नहीं सकते अच्छा घटे को नहीं बढ़ रहे पक्का लेकिन घट नहीं सकते क्या बात है जी बहुत बढ़िया अच्छा खीरे दो दांत मुर्रा कटड़ी भाई अच्छा कटड़ियों का आपने एक कैटेगरी रखी है हाँ। खीरी और दो दांत हाँ। मिक्स है दोनों पहला इनाम है 21,000 रुपए बहुत बढ़िया जी दूसरा 11,000 रुपए है तीसरा 7100 रुपए है 7100 रुपए तालियां बजाओ मुर्रा बुल खीरे कटड़े भाई तो कटड़ियों की आपने एक कैटेगरी रखी है दो दांत और खीरी ठीक और चार दांत कटड़ी भाई चार दांत इसमें ड्राई ब्यूटी में आओ या मिल्क ब्यूटी में आओ मिल्क ब्यूटी में तो रणदीप भाई मिल्क ब्यूटी में लड़ेगी भाई
ठीक है सही बात है। तो चार दांत या तो अगर बच्चा देरी है तो मिल्क ब्यूटी में आ जाओ, अगर गैम्बिट है चार दांत तो ड्राइव में आ जाओ। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो भाई मैशो की कटहरी होगी, अब आ जाओ बुलों की बारी आ गई जी। मुर्रा बुल खीरे कटड़े, अच्छा खीरे कटड़े की कैटेगरी रखी है। पहला इनाम भाई 21,000 रूपए, क्या बात है जी। दूसरा इनाम 1,100 रूपए, 11,000 सॉरी भाई, ठीक है। तीसरा नाम है 7,100 रूपए, 7,100। तालियां बजाओ जी, बहुत बढ़िया भाई, हर कैटेगरी में बढ़ चढ़ के इनाम दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। मुर्रा बुल 2 से 4 दांत आगे, अच्छा खीरे अलग है 2 से 4 दांत अलग है, ठीक है। तो इनमें भी, इनमें भी सेम प्राइस है भाई, तालियां बजाओ जी इसके लिए भी, बहुत बढ़िया। अब आगे भाजी जो मुर्रा की दोनों है जी, अडल्ट बुल, अडल्ट बुल हाँ, तो उनमें पहला इनाम है भाई पल्सर मोटरसाइकिल, क्या बात है। और पल्सर मोटरसाइकिल भाई पहली बार है ऐसा होगा। ये भाई जी ये नाम जो मुर्रा का अडल्ट कैटेगरी में जितना भी नाम है जी, ये अपने अमरजीत भाई है जीता जीन से उसकी तरफ से भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा इनाम है 51,000 रूपए, क्या बात है। और तीसरा नाम है भाई 21,000 रूपए, 21,000 रूपए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे अलग है, एक मिनट, अमरजीत भाई ने 1,51,000 रूपए और हमारी कमेटी को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत भाई का, धन्यवाद। उन्हें बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में पहला मेला होने जा रहा है जब किसी बुल को, किसी झोटे को भाई बाइक के साथ सम्मानित किया जाएगा। तालियां बजाते हैं अमरजीत भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देखो ये तो इनामों की डिक्लेयर कर दी है, कई भाई ये कह रहे थे देखो हमने देखा कि हमने पहले नाम सुना भाई ट्रैक्टर दे होंगे जी, लेकिन पहले और दूसरे इनाम में बहुत ज्यादा फर्क हो रहा था भाई, जो बैस 20 या 30 ग्राम से नीचे रहेगी ठीक है तो एक बराबर का हक है जी, तो हर एक चीज को देखते थोड़े इनाम बढ़ाए हैं ठीक है, लेकिन अच्छे नाम दे रहे हैं भाई जी। जी जी जी। और ज्यादा से ज्यादा भाई देखो इस साल का लास्ट मेला ये है ठीक है, लेकिन इसके साथ एक घोषणा और है भाई जी, अब इसी साल का पहला मेला भी यही होगा केडीएफ पे, क्या बात है जी, बहुत बहुत बढ़िया। गंगा ये नहीं होगी, गंगा होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हमारी, लेकिन मेला केडीएफ पे दूसरा मेला इसी साल में लगेगा ठीक है, वो आपको आने वाले टाइम पे डिक्लेयर कर देंगे। मनवीर भाई बहुत सारे पशुपालक कह आ रहे हैं, एक बार बार बात कह आ रहे हैं भाई, मिल्किंग में तो वे मैं स्पष्ट आऊंगी, गुच्चिन वाले आऊंगे, मारा की तो जगह पहली बात भाई सुनो, एक बार ये बात की बात है, ये एक मुद्दा का फैसला भाई ठीक है, ये बदलने वाला नहीं है, वरना इसको कोई बदलने की कोशिश करियो ठीक है, ठीक है, ये फैसला फाइनल होगा, ये नहीं कल फिर लाइव आगे हम ये कहते हमने ये घोषणा की जब ये कर रहे वो काम नहीं होगा हमारे मेले में ठीक है, जो घोषणा कर दी वो फाइनल है, बहुत बढ़िया जी ठीक है, ये फैसला बदलने वाला नहीं है ठीक है, ये बात नोट कर लियो ठीक है। ना तो इसमें ये है भाई कि मैं दूसरा भाई खड़ा होकर कह दिया मैं वो आदमी हूँ मेरे को वो लगा लो यो लगा लो, यहाँ वो कुछ नहीं चल रहा कि जो फैसला ले दिया वो ले दिया। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे भाई देखते भी है मेला में, देखते सर एक बात और बताएं, जैसे कैमरे तो लगेंगे दो दाड़ी में अच्छा है, बिल्कुल नेम शो भी होगा कुछ होगा कुछ नेमा धर्मी की बात होगी भाई, नहीं बता दे एक बार खुल के, बिल्कुल होगी भाई, भाई साहब एक तो लोटा पानी का होगा जो हमने बोल दिया जो बोल दिया, एक नमक की थैली होगी, अब नमक उठाओ पानी में डालो और चले जाओ मोनबीर, ये मेरी बहस का बुस्टिंग लग गया मोनबीर भाई साहब, पता एक बात कहूंगा मेरे नॉलेज में नेम आ गया ठीक है, हमने किसी की बहस की रोकने की जरूरत है, कोई बहस नहीं रोक रहे हमने पैसे रोक के, केवल जो 2 साल से कंपटीशन जीत के आ रही है वही बहस है, बहन है कोई आदमी बहन नहीं है, नया पशु लेके कभी भी हमारे मेले में आ सकता है, हमारा क्या भाई हमारे हरियाणा जो हरियाणा का मेला है, ये तो सारे पशुपालक भाइयों का मेला है, तो कोई भी पशुपालक भाई कहीं से भी आ सकता है, हरियाणा हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान कहीं से भी आ सकता है, नए जितने पशु है उनका मौका दे रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल भाई साहब ठीक है ठीक है। देखो जो 2 साल से कंपटीशन जीत रही है वो वैसे नहीं आएंगे ठीक है ठीक है। तो कोमल और एक बात हो रहा है, मान लो जो अब फर्स्ट आएगी अपने मेले में मिल्किंग में, तो अगली बार फिर अपने मेले में तो नहीं भाई साहब, वो हमारे मेले में बैन हो गए अगले 2 साल के लिए, मतलब 3 साल का टारगेट है, एक दो तीन। और फिर एक बात हो रहा है भाई साहब, जितना इस भाई ने बैंस ले लिया आप पता है, अच्छा बोस्टिंग यूज हो रहा है बैंस का, उन्होंने आकर नेम दे दिया भाई मेरी बहस कोई मन बोल उसकी नॉलेज देखो है, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने सपोज करो अगर आपने ले ली वो बहस हाँ ठीक है बात, और आपकी नॉलेज में नहीं है तो भाई साहब आप नियम देकर बढ़ जाइए अंदर, हमारे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और भाई सनातन ये बात आपने बहुत बड़ी सोच के आवा, आप नियम दियो अंदर बढ़ जाइए हमारे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है बात, ये बात बहुत बढ़िया लगी भाई, अगर यही तो ये यहीं से कटकी भाई साहब समझ है उस खेतर का, बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, बिल्कुल
संदीप भाई काफी देर का चुप खड़े हैं भाई बोल रहे हैं सुन रहे हैं तो कोई बात कोई और पूछा भाई आंसर हो कोई कमेंट में कोई पूछ रहा हो तो बहुत सारे भाई यूं कहे हैं कि हम अच्छा पशु तैयार कर लिया हाँ लेकिन जितने भी मेरा जाओ वहाँ या तो कमेटी वाले के फर्स्ट आ जाओ या किसी जो आना नहीं चाहिए वो भी फर्स्ट आ जाओ आप इस बार हम की कहोगे आपका मेरा भाई साहब ऐसा है निपक्ष मेला और किसी की कोई सिफारिश नहीं चल रही अच्छा कोई ये मत करना कि भूल कर फोन भी मत करवा दियो भाई अगर फोन करवा दिया तो मार खा जाओगे अच्छा अच्छा ये बात नोट कर लो नहीं बहुत बढ़िया भाई भाई यहाँ किसी कमेटी में मेरे पास कॉल करके ये मत बोल देना कि भाई हमारे कैंडिडेट की सिफारिश ला देगी ठीक है ठीक यहाँ कोई सिफारिश नहीं चल रही किसी को ठीक है जी ठीक है बहुत सारे भाई हमारे एक नई और बात है भाई वो बता दो जजिंग में जी तीन डॉक्टर होंगे और तीन पशुपालक होंगे जो अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर है तो ये भी पहली बार रिलीज आ गई भाई ये भी पहली बार हो रही थी देखे में हाँ ये पशुपालक भी हो तो इसमें कोई मतलब गफला सफली वाली बात आनी नहीं सिफारिश वाली बात तो आनी नहीं ना कोई मतलब नहीं है भाई साहब मोहनवीर ने बोल दिया जो भी गपला कराओगे आगे लेकर आओगे उसने बिल्कुल बिल्कुल सही बात ठीक है तो हमारे बहुत सारे भाई भी हैं भाई बहुत सारे हमारे ऐसे भी हैं जो घर बैठे ही सोच रहे हमने पशु मेला देखने में मजा आओगा हम देखना चाहो नया मेला हो वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कोई 100 रुपए का कोई 500 का कोई 1100 का उसके लिए कोई भाई साहब कॉन्टेक्ट नंबर लिए भाई जी आज आपको गूगल पे फोन पे नंबर दे दिया जाएगा और स्कैनर दे दिया जाएगा ठीक है ठीक है वो भाई जितने भी अपने यूट्यूब चैनल है लगभग पूरे सोशल मीडिया पे आपको मिल जाओगा देखो भाई जी ये आना मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम ये एक मेला नहीं ये 100 साल की नीम रखने हैं जी KDFA की ठीक है और आज ये साल के लास्ट में मेला है लेकिन साल का पहला मेला भी यही होगा जब स्टार्टिंग होगी जैसे अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग होती है तो पहला मेला यही होगा ठीक है ठीक है इसी साल में दूसरा मेला लास्ट महीने मतलब लास्ट में ठीक है ठीक है ठीक है तो भाई सारे भाइयों के योगदान से होगा जितना ज्यादा आप चंदा कर सको कितना ज्यादा हेल्प करो उतनी ज्यादा हेल्प करना बिल्कुल ठीक है और भाई चाहे 100 रुपए का आप डिस्ट्रीब्यूशन करो वो बहुत बड़े आंकड़ों में तब्दील होगा अगर सारे भाई 100, 150, 200 करेंगे क्योंकि हरियाणा के मेले खत्म हो गए थे भाई हमारे बहुत सारे टीम के साथी मुनवीर भाई हैं रणदीप भाई हैं और हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मेले वापस लेकर आ रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इन भाइयों का बार बार धन्यवाद जी जो अपना नंबर है वैसे बोलो देना काफी बार जुड़ भी रहे हैं फिर भी इसी लाइन में देखेंगे बार बार कोई हो तो नंबर बता दो नंबर बोल दो आप भाई जी 70154-60408 जितेंद्र कुंडू 70154-60408 ये गूगल पे नंबर भी है फोन पे भी है भाई जितेंद्र कुंडू के यार स्कैनर और दिखा दियो स्कैनर कर दियो व्हाट्सएप सारे लगा दे स्कैनर भी सारे सारे लगा जितेंद्र कुंडू जो कैशियर है उस पर ले लियो ठीक है मेंबरशिप की पर्ची 500 रुपए की है भाई जी और जो चंदा है वो भाई अपनी मर्जी तक कितना भी दे इसको ठीक है ठीक है भाई साहब बार बार हम पूछा करा जो पशुपालक आओ है नए नए भाई आओ है यानी कि रहने सहने की सुविधा कैसे होगी तूड़ी साथ में लेके आनी पड़ेगी चार्ट साथ में लेके आने पड़ेगा पानी का देखो भाई हम 4 तारीख को प्रोवाइड करवा देंगे पानी मिल्किंग वाली भैंसों को किस दिन ग्राउंड में 28 तारीख से हमारी ओर से तैयार मिल रहा उनकी तो सुविधा मिल जाएगी और जो और पशुपालक 4 तारीख को हर चीज मिलेगी वहाँ पे तूड़ी भी मिलेगा हरा भी मिलेगा ठीक है और हर एक सुविधा करेंगे हर एक सुविधा मिलेगी तो जजिंग की भी निष्पक्ष हो गया मेरा भी आपका पूरा का पूरा निष्पक्ष हो गया रणदीप भाई और कुछ कहना चाहते हो मेले के बारे में नहीं भाई वो तो कुछ नहीं सारा सब कुछ बोल दिया मनोज भाई ने अच्छा सारी सुस्पष्ट होगी बातें सारी की सारी ठीक है ठीक है और भाई अगर चंदा ज्यादा आता है सारे भाई अगर हरियाणा में जितने हमारे हरियाणा के निवासी हैं अगर बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बढ़िया भाई चंदा दे होंगे तो इनाम भी और तगड़े हो जाएंगे देखो भाई मैं एक जो ये डेट है ना जी ये डेट बड़ी सोच समझ कर रखी है मेन मुद्दे पे मेन बात बता देता हूँ ADFA का मेला है ठीक है सभी पशुपालक भाइयों को हम तो यही कहेंगे भाई बढ़ चढ़ कर भाग लियो वहाँ भी जी ठीक है उस मेले में भी जाओ ठीक है और फिर यहाँ पे भी प्रदर्शन अच्छा करो ठीक है क्योंकि पूरे भारत का मेला दूध वाली भैंसे है भाई वो देखो अपना विचार करना कि वहाँ से आके भैंसे यहाँ पे सेट होंगी ना होगी वो उनके ऊपर है ठीक है ठीक है और पशुपालक भाई देखो ADFA में जाओ उसको भी सक्सेस करो हम तो यही कहेंगे जी 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 ठीक है आज थोड़ी PDFA के अंदर से थोड़ी खुशी अलग खुशी नहीं मतलब दुख महसूस हो रहा है जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो थोड़ा वो मेरा आज मिल्किंग और उसे अटका है जी 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 हाँ तो और कोई भाई कमेंट में अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो बताओ भाई एक बार कोई अगर कोई और सवाल हो सारे भैया का तो एक बार कमेंट कर दो भाई पूछ लेंगे क्योंकि जितने हमारे मोदी के सारे के सारे बैठे हैं तो एक बार बताओ जी सारे के सारे कितना टाइम हो गया भाई रवि भाई कह रहे हैं मनवीर भाई हाँ भाई जी भाई कसम आप पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उन पर दबा दोगे लेकिन जो जज हैं उन पर भी दबाओगे
जज क्यों पड़ी होता भाई ये? अच्छा भाई हाँ, मैं क्या वो तो एक ही बता जो अपना भाई सुनो मेरी बात देख सकते हैं बैम जी कोई दुआ 5-6-7 तारीख डेट फाइनल हुई है जी। दीपांशी मिगलानी पूछ रहे हैं, दीपांशी मिगलानी 5-6-7 मार्च को जो मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है और महम तिरंगा होटल है उसके पास में 11 एकड़ जमीन ऑन हाईवे जब रोहतक से हिसार की तरफ जाएंगे तो पड़ता है ये। कैटेगरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको पोस्ट भी डाल दी जाओगी। 5-6-7 को भाई जितने भी दर्शक हैं सारे के सारे भाई पहुंचो और खास मेला रहेगा पूरे हरियाणा प्रदेश का। मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी शुरुआत करी है जहां मेले लुप्त हो रहे थे केडीएफए ने भाई बहुत तगड़ा मेला। अच्छा भाई जो कमेटी मेंबर है एक बात और बता देता हूं आपको, जो कमेटी मेंबर है जितने भी वो केवल मिल्क में भैंस लिया गया आशका है, मैं तो फिर भी नहीं लेगा भाई जी। जो और है भाई वो केवल मिल्किंग में लेके आ सकते हैं, क्यों निपक्ष होगा ना तो कहीं कल ना मेरे को प्रिय दाग ना आए कि भाई मिल्क ब्यूटी में वो निकाल ले गया, ड्राई में वो निकाल ले गया, उनकी कोई बहस वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अच्छा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हाँ ठीक है ठीक है। कई बार हम देखे जी कई मेला में चैंपियन बना दिया, अगर अपने कोई है कैटेगरी चैंपियन की पूरा मेला चैंपियन की भाई जो दोटा वो चैंपियन हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जो मैच दूध पहले नंबर का डिगा चैंपियन है वो चैंपियन है, जो मिल्क ब्यूटी में आ गई वो चैंपियन है भाई, वो कोई भी पशु है वो चैंपियन ही है। ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बात बताई जी। तो एंट्री का भाई साहब है देखो जो टा हो गया ना वो मेरे का प्रधान हो गया बिल्कुल बिल्कुल। और मैच भी ठीक है तो क्या हमने पल्सर मोटरसाइकिल पहला नंबर पी लिया तो ऊपर दम है ठीक है जी बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई साहब यूं बताओ एंट्री का कैसे रहेगा, फोन पे करवानी पड़ेगी एंट्री? सुनो भाई मेन बात आ गई एंट्री की है भाई जी। जो मिल्किंग वाली भैंसे होंगी और अडल्ट बुल होंगे उनकी 1000-1000 रुपए की एंट्री है और बाकी 500 रुपए है उसके भी। भाई बहुत बढ़िया 500 रुपए मैं तो ज्यादा मानता नहीं क्योंकि जो पशुपालक लेके आ रहे हैं एंट्री भी बिल्कुल रिजनेबल करी है और कैमरे के थ्रू सारे की सारी बातचीत होगी भाई, मिल्किंग जो है वो सारी की सारी कैमरे के थ्रू होगी। तो ठीक है मनवीर भाई बढ़िया मेला लगवाओ। और किसी का कोई सवाल हो भाई पूछ सकते हैं और जो स्कैनर दे दो भाई ना लाइव में चलो एक अलग से वीडियो बना दो उसमें दे दियो साहब उसमें दे देंगे। ठीक है 2 मिनट की वीडियो अलग से बना दो इसमें भी दे दो भाई इतने ज्यादा देख रहे हैं भाई रिपीट कर देंगे। अगर कोई स्कैनर है स्कैनर निकालो ना फोन पे भाई सितंदर एक बार फोन पे दूसरी का वो कैमरा मैं क्या दे रहा हूं। तो बस जितने मिनट हुए बस सभी जन कैमरा लग जाए भाई हमारी तरफ से 1 तारीख को 6 बजे भैंसों को फुल तैयारी है साथ टेंट के अंदर दिखाना इधर एक बार राहुल 6 तारीख को तो वैसा भर सेना का एक उद्देश्य है वह है। हाँ भाई हमारा उद्देश्य यो है जैसे हरियाणा सरकार लगा हुआ ये स्कैनर है जी देख लो। आप दोनों को क्या लगता है? एक बात और है भाई केडीएफए का एक बात और है जी। जो मैच पिछले 2 साल से चैंपियन नहीं बनी है लेकिन मैच अच्छी है और वो भाई ले जाना हुआ है अगर वो भाई फोन पकड़ ले और इधर दिखा दे रोकता है।